तो व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरी में कितने लीटर दूध आ सकता है? एक कटोरा है, कटोरा अर्ध गोलाकार है, उसमें बताओ उसका व्यास कितना है 10.5। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना दूध आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी हम निकालेंगे त्रिज्या। तो पहले अर्ध गोले का या कटोरी की त्रिज्या लगा, इसलिए वो कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, व्यास की कितनी हो जाएगी आधी, व्यास की आधी, व्यास की आधी जाएगी त्रिज्या। इसे लिख देंगे 10 105, और ये यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 20। ठीक, अब देखो पाँच से काटो, 5 24 और 5 21 हम 21 बंदी होते हैं 105। तो ये आ गई इसकी क्या त्रिज्या, आर बराबर आ गई इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई 21/4। ये गोला है, इसमें दूध भरा है, इसमें दूध भरा है, त्रिज्या आ गई। अब कह रहा जी उस अर्ध गोले, अब इसका क्या त्रिज्या आ गई, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन बराबर, कटोरा अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन तो बराबर हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 तो 2/3 पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान कितना आ जाएगा 21/4, 21/4 तीन बार लिख देंगे, ठीक है, आर की घात 3 है तो उसका मतलब 21/4 21/4 21/4। अब देखो 7 3 21 3 से 3 घटा हो गया। अब देखो 2 2 2 4 ध्यान से देखना क्या क्या काट रहे हैं। अब 2 से ये वाला काट, 2 11 2 11 यानी ऊपर हो गया 21 गुणा 11 गुणा 21 21 का कितना होता है भाई 21 21 441 नीचे आ 416 ऊपर नीचे गुणा करो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 11 चौक 44 1 45 11 चौक 44 और 4 44 4 48 16 इतना ही तो आएगा। देखो 11 एकम 11 के 1 11 चौक 44 44 1 45 11 चौक 44 44 4 48 अब 16 से भाग कर दो सही, 16 से भाग करो देखो 16 3 16 3 48 पूरे कट गए तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 16 3 48 यहाँ पूरे 51 जा रहे उतरे आएंगे तो 16 3 48 पॉइंट लगाया 48 में से 51 में से 18.18 ठीक इतना आया, ये इतना क्या आया इसका आगे और मत लिखो इतना ही लिखो 7.5 ठीक है। इतना क्या आ गया इसका आयतन, कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, आयतन कटोरे का आयतन यानी इतना आयतन आया। और क्या है ये निकालना है, क्या निकालना है इसका